नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कई बार किसी दूसरे पर अत्यधिक भरोसा करना भी नुकसानदायक होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप इस वीडियो में देखेंगे। दरअसल यूक्रेन में रूस का S-400, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बताया जाता है, वो एक के बाद एक ध्वस्त होता जा रहा है। हाल ही में 2 दिन पहले यूक्रेन ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसमें S-400 के विशेषताओं पर सवाल उठते हैं। एक साल 1991 से भी पहली बनी हुई मिसाइल, जिसकी कीमत आज के समय पर सिर्फ 7 से 8 करोड़ है और जिसे आज युद्ध में इस्तेमाल करना भी कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, ये कहा जाता है कि ये आउटडेटेड हथियार है। उस एक मिसाइल ने 10,000 करोड़ के S-400 को ध्वस्त कर दिया है। अब एक नहीं, दो नहीं, ये दर्जनों हो चुके हैं। साथ ही साथ अब रूस की ये हालत हो चुकी है कि एक S-400 की सुरक्षा के लिए दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जा रहा है। ये वही काम हो गया कि अंधे का रखवाला अंधा। इसमें सीधी सी बात है कि जब एक S-400 अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरा एयर डिफेंस उसका क्या ही रक्षा करेगा, जबकि दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है S-400। अब इन बातों का भारत पे क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने भी कुछ ही सालों पहले 50,000 करोड़ रुपए के अंदर सिर्फ 5 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं और ये दुनिया का सबसे महंगा हथियार होने का खिताब इसके नाम है। भारत ने इसे इसलिए खरीदा था कि हमारी देश की जो सीमाएं हैं, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान, उन दोनों को सुरक्षित किया जा सके और ये लगे भी वहीं पर हुए हैं। लेकिन बात अब यहाँ पे आती है कि एक 25-30 साल पुरानी मिसाइल अगर इन्हें ध्वस्त कर सकती है तो ये भारत की सीमाओं को कितना सुरक्षित रखेंगे, इस बात का यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाती है कि क्या भारत के 50,000 करोड़ यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं या क्या कुछ सिर्फ और सिर्फ पेपर पर ये दुनिया की सबसे नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है। क्योंकि युद्ध में तो इसका आप देख ही चुके हैं, कभी इसे ड्रोन तोड़ दे रहे हैं तो कभी इसे मिसाइल तोड़ दे रही हैं। खैर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए।